कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए लखनऊ समेत यूपी के तमाम शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले तमाम यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच कराई जा रही है। इसके अलावा सभी यात्रियों की डिटेल्स का डेटाबेस भी बनाया जा रहा है, ताकि किसी संदिग्ध मरीज को सही वक्त पर ट्रैक करके आइसोलेट किया जा सके। बांदा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को समाजवादी विजय यात्रा के बीच अपनी सभा में टीईटी पेपर लीक के मामले का जिक्र किया। अखिलेश ने कहा, सरकार के लोग जानबूझकर पेपर लीक कराते हैं। ऐसा इसलिए होता है जिससे कि युवाओं को नौकरी देने की जरूरत ही ना पड़े। अखिलेश ने यह भी कहा कि लाखों युवाओं ने कई महीनों तक परीक्षाओं की तैयारियां की है, लेकिन आखिर में जाकर पेपर लीक कराकर उनके सपनों को तोड़ दिया गया। ये टीईटी की परीक्षा देने लाखों लाख हमारे नौजवान गए, इतनी मेहनत की, परिश्रम किया, पैसा खर्च किया, लेकिन जैसे ही परीक्षा में बैठे पता लगा परीक्षा का पेपर लीक हो गया। ये हमारे नौजवान जानते हैं कि ये पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ है। ये सरकार जानबूझ करके पेपर लीक करती है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कानपुर में रानिया और राखी मंडी में क्रोमियम के ढेर के मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। अधिकारियों ने कहा कि क्रोमियम के कारण आम आदमी के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा देखने को मिलता है, लेकिन तमाम बार लोगों की शिकायत के बावजूद प्रशासन की ओर से इसके निस्तारण के लिए गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। कानपुर और रानिया से निकलने वाला कचरा भूगर्भ जल और गंगा के पानी को प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषण के आंकड़े बताते हैं कि कारखानों से निकलने वाली राख बीते 45 साल से गंगा को दूषित कर रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बना हुआ है। जो स्थिति रनिया और राखी मंडी की है, वहाँ के लोगों के लिए जहर युक्त जीवन है। शहर में जो भी केमिकल फैक्ट्रियों की राख आती थी वो राखी मंडी और रनिया में फेंकी जाती थी, जिसकी वजह से वो तेजाबी राखी वहाँ के जलकर में वहाँ की भूगर्भ में चली गई, जिससे वहाँ का पानी बहुत ज्यादा दूषित है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज हो गई है। मौर्य ने बुधवार को ट्वीट करके कहा था कि अब मथुरा की तैयारी है। सीनियर बीजेपी नेता केशव ने कहा कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर का निर्माण जारी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में कहा, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। मौर्य के इस बयान से बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे में हमेशा से शामिल अयोध्या, मथुरा, काशी के मुद्दे को लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। पूर्व मध्य रेलवे ने कोहरे के कारण 23 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया है। ऐसे में 1 दिसंबर से 1 मार्च 2022 तक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। पूर्व मध्य रेल के CPRO राजेश कुमार ने बताया कि आने वाली ठंड में कोहरे को देखते हुए ट्रेनों को जहां कैंसिल किया गया है, वहीं कुछ ट्रेनों के चलने की दिनों में कमी की गई है। उन्होंने बताया कि कुल 23 जोड़ी ट्रेनें पूरी तरह से कैंसिल की गई है। 21 ट्रेनों को दिन बदल कर चलाया जा रहा है।